साइकोजी फिल्टर जेएनबी की यूट्यूब प्लस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम इंटीग्रेशन के प्रश्नावली 7.3 सॉल्व कराएंगे। तो अभी तक आप नॉर्मल इंटीग्रेशन सॉल्व किया करते थे, आप एक चीज जानेंगे इंटीग्रेशन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन और सेकेंड होता है खंडशः समाकलन। तो आज हम देखेंगे प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मीन्स प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। किसी भी दिए गए फलन का इंटीग्रेशन करने के लिए मीन्स जिस फलन का इंटीग्रेशन करना हो मीन्स इंटीग्रेंड का जो वेरिएबल्स होंगे उसको हम मान के सबसे पहले दिए गए फलन को मानक रूप में बदलते हैं। जैसे एक आर्टिकल देखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस बी होल पावर एन डीएक्स। अगर इस तरीके से कोई इंटीग्रेशन हो और इस तरीके से कोई फलन हो जिसका इंटीग्रेशन करना हो तो सबसे पहले आप एक्स प्लस बी को मानते हैं टी मीन्स आई इक्वल टू। अगर ये इंटीग्रेशन है तो इसमें मानेंगे माना एक्स प्लस बी इक्वल टू टी। इसके दोनों पक्षों को जब समाकलन अवकलन करेंगे तो एक्स का डिफ्रेंसिएशन होगा ए प्लस बी का डिफ्रेंसिएशन होगा जीरो इक्वल टू डी टी अपॉन डीएक्स। डीएक्स को राइट साइड में लाते हैं मीन्स ए डीएक्स इक्वल टू डी टी मीन्स डीएक्स इक्वल टू वन अपॉन ए डी टी। अर्थात आप कह सकते हैं जहां पे एक्स प्लस बी है वहां पे हम टी रख सकते हैं और डीएक्स के स्थान पर वन अपॉन ए डी टी रख सकते हैं। मीन्स इंप्लाइज दैट आई इक्वल टू एक्स प्लस बी टी और पावर एन इन टू डीएक्स के स्थान पर वन अपॉन ए डी टी वन अपॉन ए डी टी। वन अपॉन ए कांस्टेंट है उसको बाहर करते हैं तो वन अपॉन ए इंटीग्रेशन ऑफ टी पावर एन इंटू डी टी। जैसे आप पिछले एक्सरसाइज में एक्स पावर एन का इंटीग्रेशन करते थे वैसे टी पावर एन का इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंप्लाइज दैट आई इक्वल टू वन अपॉन ए इंटू टी पावर एन का इंटीग्रेशन होगा टी पावर एन प्लस वन वन अपॉन एन प्लस वन। और आपको पता है इंटीग्रेशन जिस लाइन में कंप्लीट होता है उसमें कांस्टेंट लगाते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी मीन्स इंप्लाइज दैट आई इक्वल टू वन अपॉन ए टी पावर एन प्लस वन फोल अपॉन एन प्लस वन प्लस कोई कांस्टेंट सी लगा था यही लाइन था इसमें हम टी की वैल्यू रखते हैं। तो मीन्स इंप्लाइज दैट आई इक्वल टू वन अपॉन ए इंटू एन प्लस वन इंटू टी की वैल्यू। टी की वैल्यू आपको पता है हम माने थे ए एक्स प्लस बी को होल पावर एन प्लस वन प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। इस तरीके से आप देख रहे होंगे कि जो दिया गया फलन एक्स प्लस बी होल पावर एन था इसका इंटीग्रेशन प्राप्त हुआ वन अपॉन ए इंटू एन प्लस वन इंटू एक्स प्लस बी होल पावर एन प्लस वन प्लस कोई कांस्टेंट सी। ऐसे ही कोई आर्टिकल यदि हम ले आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स प्लस बी इंटू डीएक्स। तो इस तरीके से जो भी इंटीग्रेशन होगा इसमें हम ए एक्स प्लस बी को टी मानते हैं सेम उसी तरीके से माना ए एक्स प्लस बी इक्वल टू टी। हमने यहां से अभी पूरा पूरा ये प्रोसेस किया था तो मीन्स डीएक्स इक्वल टू यहां से डीएक्स इक्वल टू प्राप्त होगा वन अपॉन ए डी टी। आप पूरा पूरा प्रोसेस करेंगे ए एक्स प्लस बी का इक्वल टू टी का डिफ्रेंसिएशन करेंगे पूरा प्रोसेस करेंगे तो आपको प्राप्त होगा यहां से अभी हमने यहां पर प्रोसेस किया था डीएक्स इक्वल टू वन अपॉन ए डी टी मीन्स आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर ए एक्स प्लस बी को आप टी मान लेते मीन्स ई पावर टी डीएक्स को बोलेंगे आप वन अपॉन ए डी टी। यहां से डीएक्स की वैल्यू वन अपॉन ए डी टी वन अपॉन ए कांस्टेंट है बाहर करते हैं हम मीन्स आई इक्वल टू वन अपॉन ए बाहर ई पावर टी डी टी मीन्स आई इक्वल टू वन अपॉन ए बाहर
ए पावर टी का इंटीग्रेशन टी के सापेक्ष, जैसे ए पावर एक्स का इंटीग्रेशन एक्स के सापेक्ष करते थे तो आपको ए पावर एक्स मिलता था, वैसे ए पावर टी का इंटीग्रेशन ए पावर टी के सापेक्ष, तो ए पावर टी का इंटीग्रेशन होगा ए पावर टी। इंटीग्रेशन कंप्लीट हुआ तो इंटीग्रेशन कास्ट एंड सी। अगली लाइन में टी की वैल्यू रखते हैं, मीन्स आई इज इक्वल टू वन अपॉन ए पावर टी की वैल्यू होगा ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी प्लस इंटीग्रेशन कास्ट एंड सी। इस तरीके से इसका इंटीग्रेशन कंप्लीट हुआ। तो इस तरीके से कोई भी फलन होगा उसके जो वेरिएबल्स होंगे उसको आप टी मानेंगे और वहां से डीएक्स की वैल्यू निकालेंगे और जो वेरिएबल्स माने रहेंगे उस वेरिएबल की वैल्यू और डीएक्स की वैल्यू ले जाके पुट करेंगे तो जो आपका इंटीग्रेशन होगा वो मान के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसका इंटीग्रेशन आप आसानी से कर सकते हैं। तो इसके बाद हम प्रश्नावली के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। पहले क्वेश्चन में चार पार्ट है तो हम इसमें से कोई एक क्वेश्चन देखते हैं। इसका एक क्वेश्चन है पहले का बी देखते हैं, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए डी एक्स माइनस नाइन को होल पावर थ्री इंटू डी एक्स, इसी का इंटीग्रेशन करना है। तो आपको पता होगा कि जैसे ए एक्स प्लस बी होल पावर एन का इंटीग्रेशन किए थे सेम उसी तरीके से इसमें आपको पता होगा ए डी एक्स माइनस नाइन को मान लेते हैं तीन। तो सबसे पहले मानते हैं माना ए डी एक्स माइनस नाइन इक्वल टू टी, डिफ्रेंसिएशन करेंगे एट और फिर एक्स का डिफ्रेंसिएशन होगा डी एक्स माइनस नाइन का जीरो हो जाएंगे छोड़ देते हैं इक्वल टू डी टी, डी एक्स इक्वल टू वन अपॉन एट डी टी। अब वैल्यू रखते हैं ए टी एक्स माइनस नाइन इक्वल टू टी रखते हैं और डी एक्स इक्वल टू वन अपॉन एट डी टी रखते हैं, तो मीन्स आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एट एक्स माइनस नाइन को बोलेंगे टी, मीन्स टी क्यूब और डी एक्स, डी एक्स इक्वल टू वन अपॉन एट डी टी। आई इक्वल टू वन अपॉन एट बाहर करते हैं कांस्टेंट है टी क्यूब डी टी, अब टी क्यूब जैसे एक्स पावर एन का इंटीग्रेशन वैसे टी क्यूब का इंटीग्रेशन, तो आई इक्वल टू वन अपॉन एट इंटू टी क्यूब का इंटीग्रेशन होगा टी पावर थ्री प्लस वन अपॉन थ्री प्लस वन प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी, इज आई इक्वल टू वन अपॉन एट इंटू टी पावर फोर अपॉन फोर प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी, मीन्स आई इक्वल टू फाइनली आप कह सकते हैं वन अपॉन एट इंटू फोर आठ सौ बत्तीस इंटू टी पावर फोर प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। टी की वैल्यू रख लेते हैं, मीन्स आई इक्वल टू वन अपॉन थर्टी टू इंटू ये वैल्यू रखते हैं तो टी की वैल्यू होगा एट एक्स माइनस नाइन, एट एक्स माइनस नाइन होल पावर फोर प्लस कोई कांस्टेंट सी। इस तरीके से आपका ये इंटीग्रेशन प्राप्त हुआ। इसका सॉल्व मेथड हम देखते हैं, फिलहाल कुछ क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करने के बाद ही सॉल्व मेथड को अपनाइएगा, सॉल्व प्रोसेस देखते हैं इसका मेथड बिल्कुल सिंपल से एक लाइन में कैसे इसका इंटीग्रेशन करेंगे ये देखते हैं हम। तो आई इक्वल टू आपका क्वेश्चन होगा इंटीग्रेशन ऑफ एट एक्स माइनस नाइन को फोर पावर थ्री इंटू डी एक्स, आपको ये समझ में आ रहा होगा कि यदि इसको हम टी मान लेते तो ये टी पावर थ्री बनता, मीन एक्स पावर एन का फॉर्मूला बनता, तो हम डायरेक्ट एक्स पावर एन के फॉर्मूले से वैल्यू रखते हैं। आई इक्वल टू ये अगर पूरा थ्री एक्स होता तो ये कुछ इस तरीके से बनता, थ्री एक्स माइनस नाइन को होल पावर थ्री प्लस वन अपॉन थ्री प्लस वन, और आपको पता है जो इसमें जिसको आप टी मानते मीन्स एट एक्स माइनस नाइन को ही टी मानते इसका अपान में डिफ्रेंसिएशन करते हैं, मीन्स डी अपान डी एक्स एट एक्स माइनस नाइन करते प्लस कोई कांस्टेंट सी, मीन्स फाइनली आपका बनता एट एक्स माइनस नाइन पावर फोर अपॉन फोर इंटू एट एक्स माइनस नाइन का डिफ्रेंसिएशन होगा एट प्लस कोई कांस्टेंट सी, मीन्स आई इक्वल टू एट एक्स माइनस नाइन होल पावर फोर अपॉन आठ सौ बत्तीस प्लस कोई कांस्टेंट सी। इस तरीके से आप सॉल्व मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे एक लाइन ध्यान देना होगा, जिसको आप टी मानने वाले थे मानक रूप में बदलने के लिए इसका हम बटे में डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं, मीन्स एट एक्स माइनस नाइन को आप हमेशा टी मानते हैं ऐसे, तो हमने क्या किया कि एट एक्स माइनस नाइन का हर में डिफ्रेंसिएशन किए, बाकी पूरा प्रॉपर प्रोसेस उस तरीके से किए, ये आपका सॉल्व मेथड हुआ। लेकिन हम आपसे यही कहेंगे कि आप सॉल्व मेथड को तभी अपनाइएगा जब इस प्रोसेस को पूरा पूरा करना सीख लेंगे, अगर ये प्रोसेस पूरा सीख लेंगे तो सॉल्व मेथड आप आसानी से कर सकेंगे।
इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन हमारे दूसरे का ए, आई स्क्वायर टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रूट ऑफ एक्स प्लस टू इंटू डीएक्स। तो इसमें सबसे पहले हम एक्स प्लस टू को मान लेते हैं टी, मीन्स माना एक्स प्लस टू इक्वल टू टी, यहीं से साइड में एक्स की वैल्यू निकालते हैं, इंप्लाइज दैट एक्स इक्वल टू टी माइनस टू, और इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो डीएक्स इक्वल टू टू का जीरो होगा, एक्स का डीएक्स हो जाएगा और टी का डी टी, मीन्स डीएक्स इक्वल टू डी टी। वैल्यू पुट करते हैं, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स को बोलेंगे टी माइनस टू, रूट ऑफ एक्स प्लस टू को मान लेते आप टी, इंटू डीएक्स को बोलेंगे डी टी। रूट टी का गुणा इन दोनों पदों के साथ अलग अलग करते हैं, तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टी रूट टी माइनस टू रूट टी इंटू डी टी। इस टी रूट टू टी रूट टी को आप लिख सकते हैं टी पावर थ्री बाई टू, और दोनों पदों का हमारा अलग इंटीग्रेशन करते हैं, मीन आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टी रूट टी को आप लिख सकते हैं टी पावर थ्री अपॉन टू इंटू टी टी माइनस टू पास टाइम बाहर, रूट टी को आप कह सकते हैं टी पावर वन अपॉन टू डी टी। एक्स पावर एन का फॉर्मूला बड़ा स्पष्ट आपको दिख रहा होगा, यूज करते हैं आई इक्वल टू टी पावर थ्री बाय टू इंटीग्रेशन करते हैं टी पावर थ्री बाय टू प्लस वन होल अपॉन थ्री बाय टू प्लस वन माइनस टू इंटू टी पावर वन अपॉन टू का इंटीग्रेशन टी पावर वन अपॉन टू प्लस वन होल अपॉन वन अपॉन टू प्लस वन, इंटीग्रेशन इसी लाइन का हो गया है प्लस इंटीग्रेशन कास्ट एंड सी। वैल्यू को सॉल्व करते हैं, आई इक्वल टू टी पावर टू इंटू वन टू प्लस थ्री फाइव बाई टू होल अपॉन फाइव बाई टू होगा, जिसको लिखते हैं टू अपॉन फाइव माइनस टू इंटू टी पावर वन अपॉन टू प्लस वन है तो वन अपॉन टू प्लस वन को सॉल्व करेंगे टू इंटू वन टू प्लस वन थ्री थ्री बाई टी पावर थ्री बाई टू बटे थ्री बाई टू होगा, जिसको लिखते हैं टू बाई थ्री प्लस इंटीग्रेशन कास्ट एंड सी। आगे वैल्यू को सॉल्व करते हैं, आई इक्वल टू कुछ इस तरीके से मिलेगा, आई इक्वल टू टू बाई फाइव टी की वैल्यू रख लेते हैं, टी की वैल्यू कितना था, टी की वैल्यू था एक्स प्लस टू मीन्स इंटू एक्स प्लस टू होल पावर फाइव बाई टू माइनस टू इंटू टू फोर अपॉन थ्री फोर बाई थ्री इंटू एक्स प्लस टू को होल पावर थ्री अपॉन टू प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। इस तरीके से दिए गए फलन का इंटीग्रेशन प्राप्त हुआ। उम्मीद करते हैं ये पूरा पूरा इंटीग्रेशन आपको समझ में आ रहा होगा, और इंटीग्रेशन धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, आपको पूरा पूरा मैटर समझ में आएगा। तो इसी में क्वेश्चन नंबर दूसरे का ए वाला हो गया, क्वेश्चन नंबर दूसरे का जैसे हम अगर देखते हैं सी वाला पार्ट, दूसरे का सी कुछ इस तरीके से है, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी डीएक्स। इसका हम आपको हिंट देते हैं, साइड ऑफ सॉल्व कर लेंगे, आपको पता है इस रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी को टी मानते हैं, मीन्स आई इक्वल टू मान लेते हैं माना ए एक्स प्लस बी इक्वल टू टी, तो ए डीएक्स इक्वल टू डी टी मीन्स डीएक्स इक्वल टू वन अपॉन ए डी टी, मीन्स फाइनली ये बनेगा आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ टी डीएक्स को बोलेंगे वन अपॉन ए डी टी, वन अपॉन ए बाहर करते हैं आई इक्वल टू वन अपॉन ए बाहर इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ टी डी टी, और रूट ऑफ टी का यहां पे देख रहे हैं आप, यहां पे इंटीग्रेशन किए हैं, अब इस तरीके से इंटीग्रेशन करेंगे वैल्यू रखेंगे कंप्लीट सॉल्व होगा। तो ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करेंगे, लगभग यहां तक पूरा प्रोसेस पहुंचा दिए हैं कि रूट ऑफ टी का इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है, तो आप करेंगे वैल्यू रखेंगे सॉल्व हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर टू कंप्लीट हुआ, जो क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, उन क्वेश्चनों को आप खुद सॉल्व कर सकेंगे आसानी से, सिंपल क्वेश्चन ही इसलिए छोड़ रहे हैं। आगे क्वेश्चन अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन तीसरे का फर्स्ट वाला है, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टू एक्स होल अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से आप समझेंगे, यहां पे आराम से थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे, वन प्लस एक्स स्क्वायर यदि हम टी मान लें, ध्यान देंगे वन प्लस एक्स स्क्वायर यदि हम टी मान लें,
तो वर्ग तो डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x इंटू डीएक्स बराबर डीटी, और आपको पता है 2x इंटू डीएक्स ये रिप्लेस हो जाएगा किससे, डीटी से, इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस वन को ही टी मानते हैं। माना वन प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, अवकलन करते हैं वन का जीरो होगा प्लस एक्स स्क्वायर का 2x इंटू डीएक्स इक्वल टू डीटी, इस फाइनली बनेगा 2x डीएक्स इक्वल टू डीटी। तो आई इक्वल टू किस तरीके से होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2x इंटू डीएक्स को आप कह सकते हैं डीटी, वन अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर को आप कह सकते हैं टी। आप देख रहे होंगे ये मानक इंटीग्रेशन हो गया, तो वन अपान टी का इंटीग्रेशन होता है लॉग टी, मीन्स आई इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन होगा लॉग माइनस टी प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट से, मीन्स आई इक्वल टू लॉग टी की वैल्यू रखते हैं, टी की वैल्यू वन प्लस एक्स स्क्वायर, मीन्स वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट से। इस तरीके से ये सिंपल इंटीग्रेशन सॉल्व हुआ। इसी में क्वेश्चन नंबर तीसरे का भी है, तीसरे का भी है कि आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स का होल स्क्वायर होल अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप क्वेश्चन पे विचार किया करिए, आप क्वेश्चन को सोचा करिए क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। तो यहां से आपको देखने से लग रहा होगा कि यदि लॉग एक्स को सिर्फ हम टी माने तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता होल अपॉन एक्स डी एक्स, तो ये वन अपॉन एक्स डी एक्स रिप्लेस हो जाएगा किससे, डीटी से रिप्लेस होगा, तो इसलिए हम सिर्फ इसमें लॉग एक्स को टी मानते हैं। तो इसमें मानते हैं माना लॉग एक्स बराबर टी, तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन वन अपॉन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लॉग टी लॉग एक्स को बोले थे टी मीन टी स्क्वायर, और ये वन अपॉन एक्स डी एक्स वन अपॉन एक्स डी एक्स रिप्लेस हो जाएगा किससे, डी टी से। और आपको पता है टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स पावर एन के फॉर्मूले से आईक्वल टू ये बनेगा टी क्यू अपॉन थ्री प्लस कोई कांस्टेंट सी टी की वैल्यू रखते हैं, आईक्वल टू टी की वैल्यू है लॉग एक्स मीन्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर बाई थ्री प्लस कोई कांस्टेंट सी। इस तरीके से इसका भी इंटीग्रेशन सॉल्व हुआ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर चौथे का भी, तो चौथे का एक कुछ इस तरीके से साइन थ्री एक्स, साइन थ्री एक्स में हम थ्री एक्स को मान लेते थे टी मीन साइन टी डी टी मीन वन अपॉन थ्री बाहर होता फाइनली बनता वन अपॉन थ्री साइन टी डी टी, आप इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते थे माइनस का टी प्लस कोई कांस्टेंट सी बचता कर ले जाते आप। तो क्वेश्चन नंबर चौथे का भी देखते हैं, क्वेश्चन नंबर चौथे में भी आप देख रहे होंगे दो फंक्शन है, एक तो साइन एक्स है दूसरा का साइन कॉस एक्स है, ये कॉस एक्स साइन का एंगल की तरह काम कर रहा है। तो आपको एक चीज देखने से लग रहा होगा यदि इस कॉस एक्स को टी मान लें, बात समझेंगे, यदि इस कॉस एक्स को टी मान लें जिसका डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है तो माइनस से पक्षांतर कर लेंगे तो साइन तो प्राप्त हो ही जाएगा, तो इस कॉस को मानते हैं टी जिससे वहां से मिलेगा साइन एक्स, मीन कॉस को अगर टी मानेंगे तो साइन एक्स रिप्लेस गायब हो जाएगा। तो मानते हैं माना कॉस एक्स इक्वल टू टी, डिफरेंशिएशन करेंगे माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, माइनस को राइट साइड ले जाएंगे मीन साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी। सॉल्व करते हैं आगे, तो आई इक्वल टू कुछ इस तरीके से होगा, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स को बोलेंगे माइनस डी टी, ठीक, ये साइन कॉस एक्स को हमने बोला था टी कॉस साइन टी, और साइन टी का इंटीग्रेशन आपको आसानी से मालूम है साइन टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस टी, तो आई इक्वल टू माइनस माइनस कॉस टी प्लस कोई कांस्टेंट सी, माइनस माइनस प्लस आई इक्वल टू कॉस टी प्लस कांस्टेंट सी, टी की वैल्यू रखते हैं आई इक्वल टू कॉस टी की वैल्यू कॉस एक्स मीन कॉस एक्स प्लस कोई कांस्टेंट सी। इस तरीके से इसका इंटीग्रेशन सॉल्व हुआ। उम्मीद करते हैं ये सभी इंटीग्रेशन आपको सरल लग रहे होंगे। तो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर फोर के सी और डी दो और क्वेश्चन बचे, इसको आप खुद सॉल्व करेंगे। तो आगे हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है पचवे का फर्स्ट वाला, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस क्यूब एक्स डीएक्स। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है कि कॉस क्यूब एक्स का समाकलन कैसे होगा। अक्सर सब पूछते हैं कि कॉस क्यूब एक्स का समाकलन कैसे होगा, साइन क्यूब एक्स का समाकलन कैसे होगा, टेन क्यूब एक्स का समाकलन कैसे होगा। तो आप यहां पर देखेंगे कॉस क्यूब एक्स का समाकलन कैसे करते हैं हम, तो आई इक्वल टू
cos क्यूब x को हम लिख सकते हैं cos x into cos square x dx। ठीक, तीन घात तो हमने एक घात और दो घात में अलग अलग तोड़ दिए थे। इसके बाद cos square x को हम लिख सकते हैं वन बाय साइन स्क्वायर x, मीन्स i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos x into इसको आप कर सकते हो वन माइनस साइन स्क्वायर x इंटू dx। आप देख रहे होंगे कि यदि सिर्फ और सिर्फ साइन x को टी मान ले तो जिसका डिफरेंशिएशन माइनस कास होता है, लेकिन यहां से कास मिल जाए, सॉरी कास होता है तो कास x dx dt से रिप्लेस होगा। तो आप समझ पा रहे होंगे कि साइन x को यहां पर टी मानते हैं, माना साइन x बराबर टी, साइन x का डिफरेंशिएशन होता है कास x dx इक्वल टू dt। तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, इसको एक साथ लेते हैं और इसको रिप्लेस करते हैं dt से, मीन्स ये बना वन माइनस साइन स्क्वायर मीन्स t स्क्वायर इंटू dt। यहां पे दो पद है, पहला पद वन है, दूसरा का पद t स्क्वायर, दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन करते हैं। i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वन dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर dt। i इक्वल टू वन के इंटीग्रेशन t के सापेक्ष टी माइनस टी स्क्वायर के इंटीग्रेशन, तो होगा टी क्यू अपॉन थ्री, इंटीग्रेशन कंप्लीट को कांस्टेंट सी, मीन्स आई इक्वल टू टी की वैल्यू रखते हैं, टी की वैल्यू साइन एक्स, मीन्स साइन एक्स माइनस साइन क्यूब एक्स फुल अपॉन थ्री प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। इस तरीके से कॉस क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन प्राप्त हुआ, साइन एक्स माइनस साइन क्यूब एक्स अपॉन थ्री प्लस फुल कांस्टेंट सी।